हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसजी आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास एक ओल्ड कार्डबोर्ड का पीस था, तो मैंने इसका आउटलाइन ड्रॉ कर दिया है। इसका मेजरमेंट लेके ये मैं 4 feet 6.5 inches का हाइट ली हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर आपको छोटा या बड़ा हाइट का चाहिए। फिर मैंने इसको 16 पीसेस में कट कर दिया कर ली हूँ, क्योंकि ये कार्डबोर्ड थोड़ा पतला था, तो इसको मैं थिक बनाने के लिए इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करके दूसरे पीस को इसके ऊपर जॉइंट की हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरह से मैंने सारे पीसेस को जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने ग्लू की हेल्प से दूसरे पीस को इसके ऊपर जॉइंट कर रही हूँ। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। ऐसे मैंने सारे पीसेस को जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इस तरह 4 पीसेस बना लिए हैं। फिर मैंने ये 9 इंच का कार्डबोर्ड कट किया है, फिर दूसरा वाला 11 इंच का और तीसरा वाला 14 इंच का कट किया है। फिर मैंने ग्लू और वाटर का एक मिक्स बनाकर उससे जो न्यूज़पेपर या पुराने कॉपी के जो भी पेपर थे उसको कट करके उसे ग्लू से पेस्ट कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने सारे कार्डबोर्ड को इसी तरह से पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो वॉल पुट्टी और ग्लू का मिक्स एक पेस्ट बना के आप ब्रश की हेल्प से ऐसे अप्लाई भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा हार्डनेस आ जाएगा। इसी तरह से मैंने सबको कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं अब कैसे दिख रहा है। फिर मैंने सारे पीसेस में ब्राउन कलर अप्लाई कर दिया है। अगर अलग कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं आपके हिसाब से। देख सकते हैं सारे पीसेस को मैंने कलर कर लिया है। मैंने 3 पीस ऑफ कार्डबोर्ड्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसको इसी हिसाब से अरेंज कर लिया है। फिर मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ ग्लू की हेल्प से। आप चाहें तो फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने इसी तरह से दूसरे पीस को भी ऐसे ही, फिर आप चाहे तो ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बीच में कार्डबोर्ड देके ये भी एक ट्रायंगल शेप का हो जाएगा। फिर मैंने दूसरे पीसेस को भी इसी तरह से जॉइंट कर लिया है। 2 कार्डबोर्ड को एक साथ जॉइंट कर ली हूँ, आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे दिख रहा है। फिर मैंने जो 3 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड्स लिए थे इन्हीं फिर मैंने उनको पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं मैं कैसे रख रही हूँ और पेस्ट कर रही हूँ। एट लास्ट ये कुछ ऐसे दिख रहा है। फिर मैंने उसके टॉप के लिए और एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिया है उसी की मेजरमेंट के हिसाब से। फिर मैंने बीच को काट दिया है एलईडी बॉल के होल्डर के हिसाब से, आप देख सकते हैं। फिर मैंने 15 इंचेस के 2 सर्कल लिए हैं एंड 9 इंच के 3 वायर्स लिए हैं और 8 इंच के 3 वायर्स। जो 9 इंच के जो वायर थे मैंने उनको 3 इंच में फोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने MCL के हेल्प से इसको सील कर दिया है। ये सूखने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाएगा। आप चाहें तो ग्लू या सेलो टेप के हेल्प से भी जॉइंट कर सकते हैं।
ये कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर मैंने जो 15 इंचेस के जो दो सर्कल बनाए थे, एक सर्कल में मैं ऐसे जॉइंट कर दी हूँ ग्लू और सेलो टेप की हेल्प से। आप चाहें तो क्ले से भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने जो 8 इंचेस के वायर लिए थे उनको इस तरह से जॉइंट कर लिया है सर्कल में। फिर दूसरे सर्कल को ऐसे जॉइंट कर दी हूँ। ये लैंप का पार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। फिर जो का टॉप का जो कार्डबोर्ड पीस बनाया था उसको मैं ऐसे पेस्ट कर दे रही हूँ टॉप पे। फिर मैंने एक कॉटन का क्लॉथ लिया है, आप चाहें तो कोई भी कलरफुल क्लॉथ ले सकते हैं। फिर मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से ऐसे जॉइंट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे बीच बीच में थोड़ा कट लगा रही हूँ ताकि थोड़ा इजी हो सर्कल को कवर करने में। मैंने ये थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस ले ली हूँ, आप वो चाहें तो छोटा छोटा पीस ले सकते हैं। एट लास्ट ये कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर जो बॉल का होल्डर था उसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये कुछ ऐसा सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने जो टॉप पे जो होल किया था जो कार्डबोर्ड में, उसके अंदर ये वायर को डाल के उसके अंदर वो बल्ब का होल्डर सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से सेट हो गया है। इसके अंदर मैं एक छोटा सा एलईडी बॉल लगा रही हूँ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने इस लैंप लाइट स्टैंड को कुछ डेकोरेटिव आइटम से डेकोरेट की हूँ। शेयर दिस वीडियोस विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।